का जो लेक्चर है उसकी बात करो तो इट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. उसका रीजन ये है कि आज के लेक्चर में बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा क्वेश्चन एज अ स्टोरी एक्सप्लेन कर दूंगा. तो ये स्टोरी याद रखना, ये स्टोरी तुम्हारा क्वेश्चन है और उससे तुम्हारा आंसर बनने वाला है. ठीक है, सबसे पहले दो बात अपन डिस्कस करेंगे और फिर बिल ऑफ एक्सचेंज पे आएंगे. पहला है, दो नाम मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक है डेटर्स और एक है बिल्स रिसीवेबल. एनीवन इन दोनों का डिफरेंस बता सके तो, डेटर्स और बिल रिसीवेबल का डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय डेटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय बिल रिसीवेबल, इन दोनों का फर्क बता सकता है क्या कोई? व्हाट आर डेटर्स एंड व्हाट आर बिल रिसीवेबल. लाइफ में कोई अगर सुन रहा है, लाइफ में कोई भी है तो आपको अगर मालूम है तो लाइव चैट में कमेंट करो, डेटर्स का मतलब क्या है और बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है. इधर ऑफलाइन में कोई भी, डेटर्स और बिल रिसीवेबल, तू बोलना बोलना बोल. और कोई ऐसा ग्रुप आंसर नहीं, शिव बोलने वाला तो ऐसा सेल्फ बोल, क्या बोलता है? दोनों असेट है. इधर से सुप्रिया प्रजापति का आंसर है, दोनों असेट है सर. हाँ दोनों असेट है, मान लिया. आई वॉन्ट डिफरेंस बिटवीन डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, डिफरेंस चाहिए. ड्रॉवर इज डेटर, ओके मयूर ठीक है. अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द कंपनी, दैट इज अ डेफिनेशन. मुझे दोनों का डिफरेंस चाहिए. क्वेश्चन समझो मैंने क्या बोला है, डेटर और बिल रिसीवेबल में फर्क क्या है. रोशनी को जवाब देना चाह रही है, वेरी गुड रोशनी, बोलिए क्या आप कुछ बोल रहे थे. डेटर्स यानी के कस्टमर होता है और बिल रिसीवेबल यानी के बिल्स रिसीव करते हैं, कस्टमर रिसीव करेगा बिल. अच्छा डेटर्स यानी के कस्टमर और बिल रिसीवेबल यानी के कस्टमर रिसीव करे, ओके ठीक है, लेकिन राइट नहीं है. अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द कंपनी, नहीं सर हम बिल किसी को भी दे सकते एज सेटलमेंट ऑफ पेमेंट, यस ओके फाइन ठीक है. तो डेटर्स को नहीं दे सकते ऐसा, या फिर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है वेरी गुड. बिल रिसीवेबल मींस असेट, यस असेट समझ में आया, ये भी असेट है ये भी असेट है, मान लिया. मुझे दोनों का फर्क चाहिए साइड, एनीवन कोई दे सकता है फर्क? नहीं. तो पहले मैं आपको इसका फर्क दे देता हूं फिर बिल ऑफ एक्सचेंज पे जाते. फर्क क्या है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने एक बिजनेस लगाया है, राशन का शॉप है मेरा, बेसिक जनरल स्टोर है, इसके अंदर राशन वगैरह मिलता है. जिस एरिया में हो, जिस बिल्डिंग के नीचे मेरा दुकान है, बिल्डिंग के ऊपर कस्टमर यानी के रहने वाले लोग रहेंगे, रहवासी, वो लोग आते सामान लेते, मम्मी लोग आते लिखा के जाते, मैं उनके घर पे सामान पहुंचा देता हूँ. एक महीना खत्म होता है फिर पैसा देते, हिसाब विसाब क्या करते एक महीने के बाद करते लोग. तो क्या मैं इनसे कोई गारंटी मांगता हूँ क्या? नहीं. इनको जानता हूँ उधार दे देता हूँ, हाया नहीं? Yes. आपके घर में भी ऐसा होता रहेगा, राशन आता रहेगा जिधर से जिस दुकान से आता रहेगा, उधार में मिलता रहेगा. तो लोग आपसे कुछ मांगते क्या गारंटी में कि नहीं भाई ये रखो तो उधार देंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? नहीं. तो बिजनेस के लिए वो लोग भी कस्टमर ही है. कस्टमर यानी कि जिसको आप उधार में सामान बेचते हो, कैश में नहीं. कैश में बेचने वाले कभी भी कस्टमर नहीं होते. बिजनेस अगर कैश में डील कर रहा है, मैंने इसे सामान कैश में बेचा, तो ये मेरी कस्टमर नहीं है. कस्टमर सिर्फ वही है जिसको बिजनेस उधार में सामान बेचता है. सर ऐसा क्यों? उधार में बेचूंगा तभी याद रखूंगा, कैश में बेचूंगा तो याद भी नहीं रखूंगा. क्यों? क्योंकि कैश में से कितने लोग आते खरीदते चले जाते, लेकिन उधार वाला किधर भी रहेगा, आएगा मेरे पास ही उधार लेने, तो मुझे याद रहेगा. तो बिजनेस के लिए जो उधारी कस्टमर है, उधारी कस्टमर है जिसे बिजनेस जानता है पहचानता है, उधार देगा, वो बिजनेस के लिए डेटर है. अब कौन टीचर आपको कैसा पढ़ाता है मालूम नहीं, बट अकॉर्डिंग टू मी एक परफेक्ट डेफिनेशन अगर डेटर का है तो ये है कि डेटर्स वो इंसान है जिसे बिजनेस उधार देता है, किसी चीज के बदले में नहीं, जानता है इसलिए उधार दे रहा. तो डेटर्स वो पर्सन है जिसको मुझे पैसा मिलने वाला है लेकिन मैंने इसे उधार बिना किसी चीज के दिया है. ये समझा? क्लियर? सर बिल रिसीवेबल ये भी कस्टमर है,
लेकिन फर्क क्या है? अब होता क्या है, जिस दुकान में मतलब मेरा जिस बिल्डिंग में दुकान है उधर के लोग आते हैं, मैं उसे ऐसे ही उधार देता हूं। तीन बिल्डिंग छोड़ के उधर से कोई आता है मेरे पास, मुझे ये सामान उधार में चाहिए, मुझे ये सामान उधार में चाहिए, मुझे ये सामान उधार में चाहिए, आप कौन? सवाल ही करूंगा आप कौन? मैं ये तीन बिल्डिंग छोड़ के रहता हूँ, मतलब आप किधर भी रहते पैसा दो सामान लेके जाओ, नहीं आप इन लोगों को उधार देते हो मुझे भी उधार दो, नहीं मेरे पहचान वाले, आप मेरे पहचान वाले नहीं हो, बराबर हाय नहीं। तब उनको मैंने क्या बोला, अगर आपको उधार चाहिए एडवांस दे दो, या तो चेक दे दो या कुछ करो तो मैं आपको उधार दे सकता हूं, कुछ गारंटी रखो तो उधार दूंगा मैं। तो सामने वाला बोला ठीक है आप उधार दे रहे हो, एक महीने का चेक बना दो, आप मुझे उधार दो एक महीने का चेक बना दो, एक महीने का चेक ले लो आपको पैसा मिल जाएगा, इतना तो भरोसा करो। तो दुकान मैंने के मैंने भरोसा किया, इसको उधार दिया और बदले में इसके पास एक गारंटी ले लिया, ये भी कस्टमर है क्यों, क्योंकि इसे उधार दिया है, बट इसके बदले में मैंने क्या लिया है, चेक लिया है। समझ में आया? तो एक कस्टमर नहीं, बिल रिसीवेबल वाला कस्टमर, क्योंकि इसके पास से कुछ तो गारंटी लिया है, क्या लिया है, बिल लिया है, चेक लिया है, बात समझ में आया? तो दोनों में फर्क क्या है, इधर कोई गारंटी नहीं लिया गया है, इधर गारंटी लिया गया है, इधर चेक ले लिया है, जमानत ले लिया है, कुछ तो लिया है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं लिया है, जान पहचान उधार मिल गया, इधर जान पहचान नहीं है लेकिन गारंटी जरूर है कि पैसा मिलेगा। दोनों में फर्क समझ में आ गया? लाइव जितने देख रहे उनको समझ में आया क्या? बिल रिसीवेबल इज ऑल्सो करंट असेट, बताओ डेफिनेशन वगैरह नहीं चाहिए था मेरे को, मेरे को दोनों का सिर्फ और सिर्फ फर्क चाहिए था, करंट असेट होता है असेट है, ये सब समझ में आया आपको, ये सब मालूम रहेगा। मैं जानता हूं भाई ये भी करंट असेट, ये भी करंट असेट, ये असेट सब है, फर्क मैं बता रहा था। डेटर्स और बिल रिसीवेबल का फर्क क्या है, डेटर्स ऐसे लोग हैं, ऐसे कस्टमर जिसे बिजनेस बिना किसी गारंटी के उधार देता है, और बिल रिसीवेबल ऐसे कस्टमर जिनसे बदले में कुछ गारंटी लेता है। ये समझ में आया है आपको? पक्का समझ में आ गया है? ऑनलाइन जितने भी देख रहे क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, अब बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। मैंने ये क्यों एक्सप्लेन किया, वो इस टॉपिक के अंदर बेस है इसलिए, और बेस में इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब जब कोई बिजनेसमैन किसी को सामान उधार में बेचेगा जिसे वो जानता नहीं है, तो उसके बदले में कुछ तो गारंटी लेगा। समझ में आया? तो हमारे बीच में जो ट्रांजैक्शन होने वाला है वो बिल ऑफ एक्सचेंज होने वाला है, और जो बिल एक्सचेंज होने वाला है वो कहीं ना कहीं या तो रिसीवेबल होगा या तो पेएबल होगा, क्योंकि डेटर के साथ ही साथ और एक चीज जुड़ा होता है वो है क्रेडिटर्स, और बिल रिसीवेबल के साथ और एक चीज जुड़ा होता है वो है बिल्स पेएबल। ये भी वैसा ही है जैसे डेटर्स बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स मतलब जिसके पास आप रेगुलर जाते हो, आपको जानता है, वो आपको उधार दे देगा, बट बिल्स पेबल मतलब आप उसके पास गए जो आपको जानता नहीं, आप उसे उधार लोगे तो आपको उसको चेक देना पड़ेगा। बात समझ में आया? दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन यहाँ पे है वहां पे रिसीव, फर्क क्लियर है? पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या? कौन सा? बिल ऑफ एक्सचेंज, वेरी गुड। तो आज के टॉपिक का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, ध्यान दे बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल एक्सचेंज होने वाला है। तो दिल एक्सचेंज करने के लिए दो लोग तो चाहिए, अकेले का दिल एक्सचेंज होगा क्या? तो दो लोग चाहिए, तो जो फेवरेट है वो बाहर आ जाए तो अच्छा है। रोशनी जल्दी आ जा, जल्दी जल्दी बनता है, स्टार्ट करेंगे टॉपिक जिसका नाम है दिल ऑफ एक्सचेंज। अरे रोशनी जल्दी आ, तू डिमांड में बैठा इधर, जल्दी आ, जल्दी जल्दी, और साथ में भावेश आएगा, जल्दी 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 आ जाओ मयूर, बस हो गया डेफिनेशन, आ जा रोशनी, जल्दी आ, जल्दी आ। नहीं आज मनोहर एक्सेंट है, भावेश जल्दी आ, जल्दी आ, टाइम वेस्ट मत कर, अपन लाइफ में है बेटा, आ जा, शिव कुमार बाद में देख लेंगे अपन, आ जाए।
यस रोशनी इज बैक, आज बिना मास्क के आई है, बोलती चेहरा दिखाने का। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते। बस अभी जरा ध्यान से सुनना, जितने लोग लाइव देख रहे, जो एग्जांपल देने वाला हूं, जरा ध्यान से। टॉपिक का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको अपना दिल बेचना है और उसको दिल खरीदना है। जरा ध्यान से एग्जांपल, एकदम एग्जांपल की तरफ फोकस करो, इनके ऊपर फोकस जरा भी मत करो। ये सिर्फ एग्जांपल है एवरीवन, जितने लोग लाइव देख रहे जरा ध्यान से। इसको दिल बेचना है और इसको दिल खरीदना है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़की है ना, तो इसके नाटक रहेंगे ही रहेंगे। कभी भी कोई लड़की पहली बार में अगर कोई इसको लड़का प्रपोज करता है तो इसके नाटक बहुत रहते। नहीं नहीं, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो मेरा सिर्फ फ्रेंड रहेगा बस। ये फ्रेंड बोल बोल के 4 साल निकल जाएगा, 5वें साल में लोगों ने मेरी शादी हो रही है, अभी कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों की नाटक है, इसलिए हमारा भावेश कुमार है। बस 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 सही है। वापस एक बार, ये एग्जाम्पल के लिए टेंशन मत लो, ऐसा इनका कुछ भी नहीं। दो अलग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इधर क्लास में मिलते हैं खाली बस, है ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट। क्या मन लगा रहना चाहिए, तो क्या टॉपिक पे इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, तो इसको क्या करना है, दिल बेचना है, इसको दिल खरीदना है, बराबर है। ये एक दूसरे को जानते तक नहीं है, बराबर है। एक दूसरे को जानते हैं क्या? नहीं। ठीक, घूम जा बेटा, घूम जा। इसने दिल बेचने मार्केट में निकाला, दिल ले लो, 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 बेच रहा है, बेच रहा है, बेच रहा है। रोशनी के कान में आवाज आया, दिल बेच रहा है कोई, बराबर है। तो पहले अपन लिख लेते बेचने वाले का नाम, भावेश। खरीदने वाली का नाम रोशनी। ये कौन है? सेलर। ये कौन है? क्या बात है, ठीक है ना। देखो जो बता रहा हूं, आज का टारगेट इतना समझो कि अपने को कंसेप्ट ही क्लियर करना है। एंट्री अपने आप होएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज अपने आप होएगा। ध्यान से पूरा लेक्चर सुनना, आपको स्किप करने का आपकी मर्जी। मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, लेकिन लाइव में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं, जो यहाँ बैठ रहे हैं, उनके दिमाग में बिल ऑफ एक्सचेंज बैठ जाना चाहिए। फिर ये ऐसा नहीं कि नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज डिफिकल्ट 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 नहीं है, डिसोल्यूशन के ऑप्शन में है। आपको डिसोल्यूशन आता है, आपको लगता है डिसोल्यूशन करने का, बिंदास करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भी कर लो, ऐसा लगा कि ये करना है तो ये कर। स्टार्ट करते फिर से एक बार, भावेश को क्या करना है, दिल बेचना है, रोशनी को क्या खरीदेगा, दिल खरीदेगा, बराबर है। इसका मतलब सबसे पहला चीज इन दोनों के बीच में जो होने वाला है, वो होने वाला है खरीदना और बेचना, परचेज और सेल्स। ये भाई साहब सेल्स करेंगे, ये बहन जी परचेज करेंगे, बराबर है कि नहीं, सही, एग्री, पक्का। चलिए ठीक है, इसने दिल बेचने निकाला, इसको आवाज आई, अभी दिल खरीदने आई। गुंजे बेटा, दिल बेचने का देखो, तू कर रहा है, मैं कर रहा हूं, ये मेरा दिल है, बहुत ही कीमती दिल है ये, ऐसा तेरे को करना था, मैं कर रहा हूं, ठीक है। क्या आप इसे खरीदना चाहोगे? हाँ या नहीं? हाँ, खरीदने आए तो खरीदोगे ना, खरीदोगे। इसने बोला इस दिल का कीमत है 1,00,000 रुपए। कितना? 1,00,000 रुपए। रोशनी बोलती खरीदना तो है बट प्रॉब्लम है पैसे का, ये 1,00,000 रुपए मेरे पास नहीं है। बट तुम अच्छे घर के लग रहे हो, मैं खरीदना चाहती हूं, तो क्या तुम मुझे उधार दोगे क्या? ये बेचारा कुआरा, कोई लड़की इतना प्यार से बोल रही है, ठीक है मैडम, लेकिन क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं उधार तो दूंगा गारंटी पे। आप होम गारंटी है कि हाँ आप दोगे पैसा, लेकिन क्या है, दिल का मामला है,
कभी भी टूट सकता है, तो मुझे आपकी तरफ से एक गारंटी दे दो। तो इसने क्या किया, ठीक है, चेकबुक निकाला, चेक पे साइन किया, 1,00,000 रुपया लिखा और भावेश का नाम लिख दिया। अब भावेश का नाम हटा दो, ब्लैंक चेक दे दिया 1,00,000 रुपया। भावेश का नाम मत दे, तू जानती नहीं इसको। ब्लैंक चेक 1,00,000 रुपये का बनाया, 1 महीने के बाद का डेट डाला, कितने महीने का, 1 महीने बाद। इसने इसको दिल बेचा, इसने दिल खरीद के चेक बनाया और चेक बना के इसको दे दिया। इतना दिमाग में बैठा है सबके, यहाँ पे क्या क्या हुआ जरा एक बार देखते। भावेश ने दिल बेचा, अब इस चीज को इंग्लिश में मैं बोलता हूं और वो भी तुम्हारे अकाउंटिंग लैंग्वेज में। भावेश सोल्ड दिल ने गुड्स, इसका काम ही दिल बेचना ना। अरे पहले भी स्टैंडर्ड, गुड्स का डेफिनेशन क्या है, गुड्स का डेफिनेशन है गुड्स आर द कमोडिटी इन विच बिजनेसमैन डील। ये किस में डील कर रहा है, दिल में डील कर रहा है नहीं, तो इसके लिए वो दिल इसका गुड्स है, तो इसका काम ही दिल बेचने का। अभी दिल वो फुगा वाला दिल है, इसका ओरिजिनल नहीं है, क्या है। तो इसने क्या किया, वो दिल इसको बेचा, 1,00,000 रुपए का चेक इसके पास से लिया। इसका मतलब इसने एक बिल बनाया रहेगा, 1,00,000 रुपए रोशनी को उधार दिया है, एक सामान बेचा उसको 1,00,000 का जिसमें दिल बहुत सारे, इसने चेक बनाया और इसको दे दिया। इन शॉर्ट साहिल यहाँ पे दो चीज हुआ, पहले तो खरीदा बेचा गया और उसके बाद इन दोनों के बीच में बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट हुआ। इसने बिल बना के दिया, इसने बिल एक्सेप्ट किया, चेक बना और इसको दे दिया। यहां तक क्लियर है, पक्का क्लियर है, शिप क्लियर यहां तक, कुछ भी डाउट यहां पे लाइव जितने लोग, बेटा इतना दिल मत भेज इधर तक आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब वापस एक बार देखो लाइव चैट को इतना इग्नोर मारो, वो जितना अच्छा है जो इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने को, लग रहा है कि हाँ ये लोग वैल्यूएबल पढ़ने वाले, वो लोग पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाकी जिनको सिर्फ टाइम पास करने का वो लोग टाइम पास करते रहेंगे। आप लोग इधर ध्यान। तो इस बंदे ने क्या किया, सामान बेचा, इसने सामान खरीदा, इसने इसका दिल बेचा, उसने उसका दिल खरीदा और बोला कि भाई तेरे को पैसा 1 महीने के बाद दूंगी। क्लियर है, पक्का, इतना समझ में आ गया। लड़की दिल लेके चली गई, जाने दो लड़की। अब जो भी खेल है इसके साथ है, इसने भरोसा किया रोशनी पे कि रोशनी मुझे 1 महीने के बाद पैसा देगी, बराबर, क्लियर। इसके पास क्या है गारंटी में, चेक, क्या है गारंटी में, चेक है, बराबर है। 2 मिनट खाली इधर आ जा। देखो भावेश ने सबसे पहला क्या किया, सेल्स किया, उसी टाइम पे रोशनी ने सबसे पहला क्या किया, परचेज किया। अब बेसिक से बात में करता हूं, अगर मैं यानी कि भावेश सामान बेच रहा है तो सामान आएगा कि जाएगा, जाएगा। इसने दिल बेचा तो दिल आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है ना सर, जा रहा है टू सेल्स अकाउंट। अभी किसके पास बेचा उसने, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इसकी एंट्री आएगी मैंने दिल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू भावेश अकाउंट। अभी मैं ऐसा लिख रहा हूं, बाद में इसका ट्रिक दूंगा मैं आपको। नो साउंड, आवाज गया था, अच्छा अभी आवाज आ गया, कॉल आ रहा था क्या बीच में, ठीक है अभी आवाज आ रहा है ना, अब आ रहा है, ओके गालिब ठीक है, ओके 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 ध्रुवी ओके नो प्रॉब्लम, चलो ध्यान दे दे भावेश यहां तक क्लियर है। देखो जो भी स्टोरी हुआ है ना, पहला इसने बेचा, उसने खरीदा तो मैंने बेचने का एंट्री, खरीदने का एंट्री पास किया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा भावेश ने बिल बनाया और वो बिल बना के किसको दिया, रोशनी को दिया। रोशनी ने इन रिटर्न क्या किया, एक्सेप्ट करके इसे क्या दिया, चेक दिया।
अब जो चेक इसके पास आया है वो चेक का पैसा इसे मिलने वाला है क्या इसे पे करना है? मिलने वाला है। भावेश को पैसा तो मिलने वाला है, मिलने वाला मतलब रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, ये तो पता है सबको। तो ये जो चेक का पैसा मिलने वाला, इस चेक का नाम है बिल रिसीवेबल। क्या नाम है? बिल रिसीवेबल। क्या नाम है? बिल रिसीवेबल। समझ में आया क्या? हाया नहीं, पक्का। एनीथिंग रिसीवेबल वो तो डेबिट होता है, तो इसके बुक में बिल ड्रॉ हुआ। कौन सा बिल? बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट। किसके पास से मिलने वाला है? रोशनी। ये समझा गया? अब उसी केस में अगर मैं रोशनी की बात करूं तो रोशनी को बिल पे करना है, तो उसके लिए पेबल, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। लायबिलिटी तो क्रेडिट होता है, इसने बिल एक्सेप्ट किया था, तो टू बिल्स पेबल। डेबिट में किसको पे करना है? भावेश। समझ में आया क्या? मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये एंट्री लिख रहा हूँ, इसका ट्रिक देने वाला हूँ मैं। इसके ट्रिक में कुछ भी नहीं, सीधा खाली एंट्री ऑटोमेटिकली सब आ जाएगा। पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर एंट्री का ट्रिक देता हूँ। इतना क्लियर है सबको? संगीता लाइव जितने लोग देख रहे हैं उतना क्लियर है सबको? लाइव जितने लोग देख रहे हैं यहां तक क्लियर है? पहला बेचा तो इसने खरीदा, इसने बिल बनाया तो इसने बिल एक्सेप्ट किया। यहां तक क्लियर हो गया स्टोरी? अब स्टोरी आगे बढ़ता है। रोशनी दिल लेके चली गई। अब ये दिल के चक्कर में पागल बना है। मेरा दिल लेके गई किसका? भावेश का दिल लेके गई, बदले में 1,00,000 रुपए का चेक दिया। अब ये चेक को रोज ऐसा बिजनेस के ड्रॉवर से खोलता था, रोशनी का चेक, लेकिन 1 महीने के बाद पैसा आएगा, हाँ या नहीं? हाँ। रख देता था ड्रॉवर में, फिर दूसरे दिन आता था, फिर ड्रॉवर ओपन करता था, अरे यार 1 महीने के बाद का चेक, फिर ड्रॉवर में रख देता था। फिर तीसरे दिन आता था, फिर ड्रॉवर ओपन करता था, चेक पड़ा है, लेकिन 1 महीने के बाद। रोज आता था, रोज चेक देखता था, 1 महीने तक खून जला रहा था। क्यों? क्योंकि 1 महीने तक वो चेक पास नहीं होने वाला। 1 महीने के बाद वो बैंक में जाएगा, बैंक उसको पैसा देगा, हाँ या नहीं? इसका मतलब जैसे ही इसके पास रोशनी चेक देखी गई, तब से लेके 1 महीने तक इसने चेक के साथ क्या किया? कुछ नहीं, खाली खून जलाया। क्यों? क्योंकि वो चेक का पैसा तो 1 महीने के बाद मिलने वाला है। इस चीज को कहते हैं खून जलाना, बोले तो रिटेन करना। क्या करना? क्लियर है? अब जो मैं बता रहा हूं जरा ध्यान से सुन। जब भी बिजनेसमैन कोई भी सामान बेचेगा, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, तो इन रिटर्न उसको चेक मिलेगा, ऐसा अज्यूम करो। और वो जो चेक मिला है उसे, उस चेक के साथ 4 चीजें वो कर सकता है। 4 में से कोई भी एक चीज क्वेश्चन में आएगा। 4 चीज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कोई भी एक चीज आएगा, जिसमें से 1 महीने ऑलरेडी लिख दिया है, खून जलाना, रिटेन करना। ये समझ में आया? पक्का समझ में आया? 100% समझ में आया? सर अगर वो रिटेन करेगा तो? मैं बोलूंगा रोज देख रहा था, रोज रख रहा था, रोज देख रहा था, रोज रख रहा था, तो कोई एंट्री पास कर रहा था क्या? नहीं। कोई एंट्री पास करेगा क्या साहिल? कुछ भी एंट्री पास करेगा नहीं। क्यों सर? क्योंकि रोज देख के चेक उसके पास ही रख रहा है। इसका मतलब वो सलमान खान को याद कर रहा है, नो एंट्री है नहीं सलमान खान की ना? तो भाई रिटेन करेगा तो ये कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा, बोले तो नो एंट्री। समझ में आया तेरे को? पक्का याद है? क्लियर है? दूसरा आया, अभी ये अदर केस बता रहा हूं। पहले केस में मैंने बताया रोज खून जला रहा है। आगे बढ़ते, आगे चेक देखा और 1 लाख का चेक है, लेकिन 1 महीने के बाद मिलेगा। रखा, जैसे रखा इसका फोन बजा। किसका फोन बजा? भावेश का फोन बजा। हेलो भावेश, सुनते हो? सुनते हो? सुनते हो? मतलब ये शादीशुदा है, खाली दिल बेच तो रहा है, लेकिन दिल बिक गया है इसका। तो इसके वाइफ ने बोले तो मेहरारू जी ने फोन किया, ए भावेश बिटिया बड़ी हो गई है,
शादी करवाना है, पैसे की जरूरत है, जरा ध्यान से। भावेश को फोन किया गया, क्या कि भाई बिटिया बड़ी हो गई है, शादी करवाना है, पैसे की जरूरत है, आज ही 1,00,000 रुपए चाहिए। ठीक है, करते हैं कुछ, और फोन कट कर दिया। किसने? ये कौन है जिसको रोशनी ने चेक दिया था? बराबर है। अब फिर से इसने रोशनी चेक निकाला, 1,00,000 का चेक तो है, लेकिन पैसा तो 1 महीने के बाद मिलने वाला है। अब मेहरारू जी का फोन आया है, जो बीवी बोली कि वो करना तो पड़ेगा। अब ये सोचता ये है कि अरे चेक लेके एक बार बैंक से जाके बात करता हूं, अगर मुझे बैंक पैसा दे दे तो भाई बीवी का बात रख लूंगा मैं। बराबर, 2 मिनट बैंक के पास जाने थे मेरे को, सब रोल तो मैं ही प्ले कर रहा हूं। चेक लिया, बैंक के पास गया, ए बैंक 1,00,000 रुपए का चेक है, 1 महीने के बाद का है, मुझे आज पैसा चाहिए, देगा क्या? बैंक बोलेगा पागल है क्या, 1 महीने के बाद का है, अभी क्या आ रहा है? बराबर, नहीं नहीं बैंक प्लीज ना यार, मेरा अकाउंट इसी बैंक में है, मैं इतने साल से आपके बैंक में डील कर रहा हूँ, बहुत पैसे आते जाते, 1,00,000 रुपए का आपको दिए तो रखो, मुझे 1 महीने के बाद पैसा दे देना, नहीं आया तो मेरे से चार्जेस दे देना, जो भी मुझे आज पैसे दो ना। तो बैंक बोलता है ठीक है मैं तुझे पैसा देता हूं, लेकिन 1,00,000 रुपया नहीं दूंगा, मैं तुझे 1,000 रुपया काट के पैसा दूंगा, मतलब 99,000 रुपीज दूंगा, 1,000 रुपया मेरा चार्जेस होगा। ये बोला ठीक है, 1,000 रुपया तो बिजनेस डील ऐसे और भेजूंगा, 1,000 आ जाएंगे। बराबर है, ठीक है। बैंक को चेक देता है, बैंक से पैसा लेता है, सुनती हो गया 99,000, 1,000 मिला, 1,00,000 रुपया बीवी को दे दिया। समझ में आया? इसे कहते हैं बिल को डिस्काउंट करवाना। क्या करवाना? डिस्काउंट करवाना। क्लियर है क्या? क्लियर है? yes, पक्का 100%। अब इधर एंट्री पास करेगा ये, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इसके ड्रॉवर में जो चेक था, जो इसके पास था, वो अब किसके पास गया? बैंक के पास। बदले में वो बैंक से क्या लेके आया? पैसा लेके आया, हाँ या नहीं? लेकिन पूरा पैसा नहीं लाया, इसका मतलब इसके पास से बिल गया, बदले में पैसा आया। बिल गया, बदले में पैसा आया। बिल आया था डेबिट, अब जा रहा है तो क्रेडिट। रिसीवेबल अकाउंट, बराबर है। बिल गया, बदले में क्या आया? पैसा आया, बोले तो कैश आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। समझ में आया? 1,00,000 का चेक गया, बट पैसा सिर्फ और सिर्फ 99,000 आया, तो 1,000 रुपया डिस्काउंट। 11th स्टैंडर्ड अगर मेरा आपने अटेंड किया तो मैंने आपको बताया था कैश और डिस्काउंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जिधर कैश उधर ही डिस्काउंट आएगा, अगर कैश डेबिट में भावे तो डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा। वेरी गुड, तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट में आएगा 1,000 रुपए, और रूल कहता है जितना डेबिट उतना क्रेडिट होगा। समझ में आया क्या? अब सर बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे तो चलेगा, आपको अगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया तो बैंक अकाउंट, कैश और बैंक लिखा तो भी चलेगा, एग्जामिनर दोनों को मार्क्स देता है। तो इधर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, या तो सिंपल वे में कैश एंड बैंक, दोनों ऑप्शन है ये, कैश वाला कैश, बैंक वाला बैंक। इसलिए मैंने जितनी बार भी जब भी जर्नल एंट्री सॉल्व किया, मैं सिर्फ कैश या सिर्फ बैंक नहीं लिखता हूँ, चेक स्पेसिफाई किया है तो मैं बैंक लिखता हूँ, लेकिन कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है? समझा? तो दूसरा चीज ये क्या कर सकता है? डिस्काउंट करवा सकता है। ये समझ में आया? yes. पहला चीज क्या कर सकता है भाई? अपने पास रखेगा, सलमान खान का पिक्चर देखते रहेगा, खून जलाएगा। समझ में आया? दूसरा, डिस्काउंट करवाया क्योंकि बीवी का प्रेशर आया है। बराबर है। तीसरा, इसने दिल बेचा था, रोशनी ने इसे चेक दिया था, रोशनी चली गई थी, बराबर है कि नहीं? इसने चेक लिया, ड्रॉवर में रखा, बराबर है। जैसे ड्रॉवर में रखा, मैं पहुंच गया, ए भवेश कितने टाइम से उधार लेके रखा है रे तूने, अभी तक पैसा नहीं दिया है, मुझे आज के आज पैसा चाहिए, नहीं तो दुकान तोड़ के जाएगा।
सीधा मैंने बोला तेरे जितने दिल भी है ना सब टूटेंगे आज अभी बोल रहा हूँ नहीं नहीं सर दे दो पैसा ड्रॉवर खोला 1 लाख का चेक था मुझे 1 लाख का चेक दे दिया ध्यान से सुन बेटा क्या किया इसने रोशनी का जो चेक था उसने मुझे दे दिया जबकि रोशनी का चेक का पैसा किसको मिलना चाहिए था भावेश पर भावेश ने क्या किया वही चेक मुझे दिया क्यों क्योंकि भावेश ने मेरे पास से उधार में सामान खरीदा था तभी मैं पैसा मांगने गया हाँ या नहीं रोशनी समझाइए इसका मतलब क्या हुआ कि भावेश ने किसी और का चेक मुझे दे दिया मतलब एंडोर्स कर दिया क्या कर दिया एंडोर्स कर दिया क्या कर दिया एंडोर्स कर दिया समझ में आया तो तीसरा चीज वो क्या कर सकता है एंडोर्स तीसरा चीज क्या कर सकता है एंडोर्स तो यहाँ पे थर्ड जो हो सकता है वो है एंडोर्स होना समझ में आया क्या एंडोर्स मतलब किसी और को दे देना एंडोर्स मतलब किसी और को दे देना इस केस में भी एंट्री पास करेगा वो क्योंकि जब बिल आया था डेबिट अब वो बिल वो मुझे दे रहा है तो जा रहा है तो क्रेडिट तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट अभी किसके पास जा रहा है छुट्टी मेरे पास यानी कि सिराज अकाउंट डेबिट अरे बात समझा क्या हाँ। ये समझा ये तीसरा चीज वो कर सकता है थर्ड चीज क्लियर हुआ लाइव जितने लोग देख रहे हैं उनको क्लियर है क्या स्पैमर बहुत आ गए क्या आज चलिए ठीक है लीव इट आई होप जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो जरा एक थम्स अप कर देना तो मुझे समझ में आया कि हाँ आपको समझ रहा है क्योंकि मैं लाइव चैट कम देख रहा हूँ अभी सामने दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूँ तो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज थम्स अप करना तो आगे बढ़ता हूँ चलिए ठीक है ओके मुस्कान ओके आर्या वेरी गुड प्रवेश ओके 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 थैंक यू बस थैंक यू एवरीवन थैंक यू बस चलिए अभी ध्यान दे दे ज्यादा थम्स अप नहीं फिर अपना लाइव लेक्चर बड़ा हो जाएगा यहाँ पे बढ़ते अब 1 2 3 चौथा ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है बहुत सारे दिल बेचता है इतना दिल बेच रहा है मार्केट में कि हर बैंक वाला इसको पहचानता है इसने बैंक मैनेजर को फोन किया ए बैंक तेरे आदमी को भेज मेरे पास कुछ ऐसे 1 लाख रुपए ऐसे रोशनी जैसे लोग रोज आते मेरे पास ऐसे 10-15 रोशनी के चेक पड़े मेरे पास ए बैंक में लेके जा ड्यू डेट के टाइम पे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना किसने बोला भावेश ने किसको बोला बैंक मैनेजर को बराबर है कि नहीं बराबर इसे कहते इसने बैंक को फोन करके बैंक के आदमी को बुलाया बोला है चेक लेके जा कलेक्शन में और जमा करवा देना मेरे अकाउंट में बैंक फॉर कलेक्शन मतलब चौथा चीज वो कर सकता है वो है BFC इस केस में भी जो इसके ड्रॉवर में चेक पड़ा है वो जा रहा है चेक आया था डेबिट जा रहा है तो क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट और ये कहां जा रहा है बैंक में BFC अकाउंट और ये समझा क्या पक्का समझा हाँ या नहीं अब क्वेश्चन में सर हम क्या करेंगे क्वेश्चन में ये जो चार चीज मैंने आपको दिया है क्वेश्चन में कोई भी एक आएगा या तो अपना खून जलाएगा क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है मतलब खून जलाएगा या तो डिस्काउंट बोला रहेगा या तो एंडोर्स बोला रहेगा या तो BFC एंडोर्स में ऐसा एंडोर्स वर्ड यूज नहीं किया रहेगा बोला रहेगा कि भाई उसने चेक मुझे दे दिया या किसी और को दे दिया किसी पर्सन तीसरे पर्सन का नाम आ जाएगा तीसरे पर्सन का नाम मतलब वो एंडोर्स ही रहेगा बात समझा या तो फिर BFC में जमा कर दिया क्लियर है जब ये चार में से कोई एक चीज के बारे में सोच रहा था उस टाइम पे रोशनी क्या कर रही थी वो मस्त दिल के साथ खेल रही थी मतलब She was enjoying the life. No entry. ये बेचारा टेंशन में था खून जला रहा है वाइफ का टेंशन मेरा टेंशन बैंक का टेंशन सब इसके पास ही है तभी ऐसा दिख रहा है नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं था मजाक कर रहा हूं ध्यान दे यहां पे क्या है नो एंट्री ये समझा आपको पक्का अब 2 मिनट बैठ जाती हूं यहां तक क्लियर है पक्का क्लियर तो अब यहां तक हुआ क्या पहले बेचा गया सामान फिर बिल ड्रॉ किया गया एक्सेप्ट किया गया उसके बाद चार में से
कोई एक एंट्री यहाँ पे आएगा, 4 out of 1, क्लियर? क्लियर है यहां तक? पक्का 100% क्लियर है? Yes. अब क्या होगा? अब यहां से चालू हो जाएगा ड्रामा, लड़की का ड्रामा। दिल दिया है लेकिन हाँ तो बोलेगी नहीं, मतलब पैसा मिलेगा नहीं, बराबर है? लड़की है ना, नाटक तो करेगी भाई, इसने 1 लाख का चेक दिया है दिव्या, लेकिन मेरे घर पे तरह तकलीफ है, अभी अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। इसका मतलब ये है अभी जो दिल है वो टूटने वाला है, बोले तो डिजोनर होने वाला है। क्या होने वाला है? डिजोनर होने वाला है, क्लियर है? हाँ। देखो मैं मजाक मस्ती में पढ़ा रहा हूँ, तुमको समझ रहा है तो ठीक है, नहीं तो भाई जैसा आपको करना है बिल ऑफ एक्सचेंज में से कर लो, ये सिर्फ एंट्रीज हाइड करने का स्कीम है और कुछ नहीं। तो भाई अब क्या होने वाला है? डिजोनर होने वाला है, बराबर है? दिल टूटने वाला है, किसका? कौन तोड़ने वाला है? ठीक है, मतलब डिजॉल्व है। लेकिन ये बिजनेसमैन है, ये भी खेलिए, ध्यान दे, भावेश भी बिजनेसमैन है, इसको मालूम है ऐसे 1000 रोशनी आने वाले लाइफ में, इसके लिए तो दिल का दुकान खोला है, कोई भी फोड़ के जाए भूखा फर्क नहीं पड़ता है। गैस रेडी है, दूसरा बलून रेडी होगा, बेचेगा दिल, क्लियर? ध्यान देना। तो अब क्या होने वाला है? तो यहां पे इसने इसको फोन किया, भाई तेरा 1 लाख रुपए का जो तूने चेक दिया था वो मैंने बैंक पे जमा किया और पता चला तेरे अकाउंट में पैसा नहीं है और मेरा चेक डिजोनर हो गया। क्या हो गया? डिजोनर हो गया, मतलब पैसा नहीं मिला। अंडरस्टूड? तो भाई रोशनी बोलती हाँ मेरे अकाउंट में थोड़ा तकलीफ था, मेरे घर वाले लोगों ने बहुत मना किया मुझे कि नहीं ये प्यार व्यार क्या कर रही है, दिल क्यों लेके आई है, तो अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो भावेश क्या बोलता है? भावेश बोलता है देख तेरा कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे को मतलब नहीं है, तूने डिसऑनर किया है तो तुझे ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने तक मैंने खून जलाया है, या तो बैंक से एडवांस लिया है, या तो किसी और को दिया है, या तो बैंक में जमा किया है, मैंने इसमें से कुछ तो किया रहेगा ना, तो मुझे इनको तो पैसा देना ही है ना, बराबर है? तो तू क्या कर, अभी 1 महीने तक तूने मेरे से उधार मांगी, मैंने तेरे को दिया, अब तूने क्योंकि डिसऑनर किया है तो तुझे डिसऑनर का ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा, बोले तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जब डिसऑनर होगा तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, बराबर है? ये समझा? और देख तेरे को भरोसा किया था, तूने इतने प्यार से मेरे को बोली कि ट्रस्ट कर मैं दिल कभी तोड़ती नहीं हूं, मैंने तेरे पर भरोसा किया, बराबर है? लेकिन तूने दिल तोड़ा है मेरा, जब तूने मेरा दिल तोड़ा है इंटरेस्ट ले रहा हूं, लेकिन अभी थोड़ा पैसा दे, 1 लाख में से थोड़ा तो पैसा दे, बोले तो साथ में कैश, दिल तोड़ा ब्याज दे, ब्याज के साथ कैश दे, बाकी के लिए तेरे पे थोड़ा और भरोसा करता हूं, दिल का मामला है नया बिल बना के दूंगा, क्या करूंगा नया बिल बना दूंगा, क्लियर? ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है और यहां से अपना ट्रिक चालू होता है, यहां से इस एंट्री से पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रिक चालू होगा। पांडे सोहम, कैश अकाउंट डेबिट और बीएफसी में बैंक अकाउंट डेबिट क्यों नहीं होता है बेटा? बेटा आप अभी भी नहीं समझे, 1 महीने के बाद का चेक है, मैंने चेक दिया, जिसको दिया पैसा जब ऑनर होगा तो उसको मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या? नहीं, जब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं इधर कैश कैसे लिखूंगा या बैंक कैसे लिखूंगा, मैंने जिसको दिया है उसी का नाम लिखूंगा ना, मैंने बिल दिया और बदले में किसको दिया उसका नाम, अब जिसको दिया पैसा उसको मिलेगा, बीएफसी में बैंक में पैसा आएगा जब ऑनर होगा, अभी तो डिसऑनर होने वाला है, तो जरा ध्यान से सुनो और समझो क्या बोल रहा हूं। चलिए ठीक है, BFC means bank for collection, परवेज, BFC means bank for collection, मैंने example ही आपको अभी दिया कि भाई भावेश इतना बड़ा businessman है कि भाई उसके पास बहुत पहचान है, बैंक के मैनेजर को फोन करता भाई आपकी इधर कोई एम्प्लॉय रहेगा जरा उसको भेज दो ना, मेरे पास से चेक लेके जाने के लिए टाइम नहीं है, तो बैंक वाला उसको जानता है इसलिए वो किसी को भेज देगा और बैंक में चेक ऑन डेट जमा होते जाएगा, जैसे जैसे ड्यू डेट आएगा वैसे वैसे बैंक उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते जाएगा, बैंक में चेक जमा करना मतलब बैंक फॉर कलेक्शन, समझा? और कुछ? ओके फाइन, चलिए ठीक है,
ओके चलिए ठीक है, वापस एक बार अब तक हम यहाँ पे आ गए और मैंने आपको बताया ये जो है ये है ट्रिक जिससे बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज वैलिड होने वाली है। क्या दिल तोड़ा, ब्याज मांगा, पैसा मांगा, नया बिल बोले तो डिसऑनर हुआ तो इंटरेस्ट आया तो कैश आया, कैश आया तो नया बिल बनेगा। बात समझ में आया? तो इसको याद रखना है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। समझ में आ रहा है? अब ये सेम चीज ना इधर भी होने वाला है क्योंकि इसने बिल डिसऑनर किया है तो डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। क्लियर? डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। आई होप यहां तक क्लियर है। वेरी गुड पांडे, डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट। होपफुली आपने वीडियो देख लिया होगा तो आपको याद होगा, बट फिर से एक बार, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। दोनों के लिए लिख दिया। अब सिंपल सा ट्रिक भावेश के लिए भी और इसके लिए भी। भावेश बोलता है डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। इतना समझा? तो रोशनी बोलती है ठीक है मैं भी बोलती हूँ, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। ये बोलता है नहीं, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, और ये क्या बोलती है, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। ऑपोजिट, इसका रूल है डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? इधर डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। बात समझाइए? अब क्या डेबिट और क्या क्रेडिट? सिंपल, मेरे बुक में तेरा नाम, तेरे बुक में मेरा नाम, मेरे बुक में तेरा नाम, तेरे बुक में मेरा नाम, तेरे दिल में मेरा नाम, मेरे दिल में तेरा नाम। सिंपल, अभी दिल का मामला है तो ये याद रखना है, भावेश की बुक में रोशनी का नाम, रोशनी के बुक में भावेश का नाम। ऐसा लिखना नहीं, रोशनी तेरे बुक में तेरा ही नाम लिखना, नहीं तो मम्मी पकड़ेगी। इधर ठीक है, वापस, भावेश की बुक में रोशनी का नाम, रोशनी के बुक में भावेश का नाम। समझ में आया? ये ड्रॉवर ड्रॉली का कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, पहले जो स्टोरी चल रहा है उसको पकड़ के चलो, ठीक है? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। क्या मेरे बुक में तेरा नाम, तेरे बुक में मेरा नाम, मेरे बुक में तेरा नाम, तेरे बुक में मेरा नाम, बराबर है? तो भाई इधर यही करना है, इधर उसने बोला है डेबिट, इधर भी बोला है डेबिट, इधर बोला है क्रेडिट, इधर बोला है क्रेडिट, चार एंट्री। सेम चीज इधर करना है, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। मैंने बताया ये ट्रिक है, इससे पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज होने वाला है, इसलिए ध्यान से, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, क्या डेबिट और क्या क्रेडिट, इसके बुक में उसका नाम, उसके बुक में इसका नाम, बराबर है? तो इसके बुक में उसका, उसका मतलब वो कौन है, तो रोशनी, अकाउंट डेबिट, एक बार हो गया सर, इधर भी डेबिट करना है, ठीक है, रोशनी अकाउंट डेबिट, दो बार हो गया सर, क्रेडिट करना है टू रोशनी अकाउंट, फिर से टू रोशनी अकाउंट, इतना क्लियर हो गया? 100% डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डन। इधर आते हैं, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट, क्या रोशनी के बुक में भावेश का नाम, तो भाई भावेश का नाम लिखते हैं क्रेडिट में टू भावेश अकाउंट। अरे समझा? टू भावेश अकाउंट। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, पक्का? अभी भावेश अकाउंट डेबिट, भावेश अकाउंट डेबिट, वापस से भावेश अकाउंट डेबिट, बराबर? ये समझा रोशनी? हाँ। अब क्या करना है, अभी ये जो एंट्रीज आपने लिखा है ना, इसका नामकरण, ये जो एंट्रीज मैंने लिखा है जिधर जगह खाली है उसका नामकरण कर दो,
जैसे डिसऑनर छोड़ के बाकी सब कर दो। यहाँ पे रोशनी अकाउंट डेबिट कौन सी एंट्री है? इंटरेस्ट। यहाँ पे टू इंटरेस्ट अकाउंट कैश क्रेडिट हो गया डेबिट में, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट बराबर है बिल। अरे भाई साहब इसके लिए बिल हमेशा रिसीवेबल होता है, ये तो इसको पैसा मिलने वाला है। क्रेडिट हो गया तो डेबिट में हमेशा इसके बिल रिसीवेबल अकाउंट ही आएगा। इधर मैंने कुछ भी बताया नहीं इसके बारे में, बताऊंगा। ब्याज है तो ब्याज, कैश है तो कैश, न्यू बिल है तो बिल रिसीवेबल है। इसके लिए हमेशा बिल रिसीवेबल होगा, किसके लिए? सेलर के लिए। बात समझ में आ गया? इधर आते हैं। क्रेडिट हो गया डेबिट में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कैश टू कैश और बैंक अकाउंट। अरे समझा? न्यू बिल तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये समझा? पक्का? जैसे ये न्यू बिल का मैंने एंट्री पास किया, अभी मेरा डिसऑनर बाकी है, बट न्यू बिल का जैसे ही एंट्री पास किया ना, मेरे बैकग्राउंड में एक आवाज आने लगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सुना है ना ये? इसका मतलब ये जो अभी दिख रही है ये पहले कभी ना कभी बहू तो थी, अभी सास बन गई। नया बिल मतलब ये सास बन गई, पहले कभी ना कभी बहू तो थी, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे वो बहू थी। बिल रिसीवर टू रोशनी, बिल रिसीवर टू रोशनी, भावेश टू बिल्स पेबल, भावेश टू बिल्स पेबल। तो इस एंट्री का नाम है सास भी कभी बहू थी। अरे बात समझ में आया? मतलब ये जो एंट्री है, ये एंट्री से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आपका क्वेश्चन कैसा भी होने दो, आपको ये चार एंट्री सॉल्व करनी है। फिर ये एंट्री को कॉपी पेस्ट ऊपर कर देना है, ये एंट्री को कॉपी पेस्ट ऊपर करना है। मतलब ऊपर वाली एंट्री तो मैंने बता के एक्सप्लेन किया था, अब आपको जब बिल ऑफ एक्सचेंज सॉल्व करना होगा तो आपको पहले चार एंट्री करना होगा। पहले चार एंट्री लिखेंगे, सास भी कभी बहू ऊपर चली गई, ऊपर वाली एंट्री भी हो गई। परचेज सेल्स का तो इतने साल से अकाउंट कर रहे हो, दो साल तो हो गए, वो परचेज सेल्स की एंट्री तो आप कर लोगे। मतलब ये हो गया, ये हो गया, और ये चार एंट्री हो गए। अब बचता है सिर्फ एक और दो एंट्री, लास्ट की दो एंट्री जो इसके बाद होने वाला है। जैसे आप देख सकते हो इसके बाद फिर से चेक इसके पास आ गया है, क्योंकि भरोसा दिया है नया, तो वापस ये क्या करेगा? या तो खून जलाएगा, या तो फिर बीबी का फोन आएगा, बिटिया बड़ी हो गई है पैसा लाओ, या तो मैं फिर जाऊंगा भाई दुकान बिल तोड़ने वाला हूँ, या तो फिर बीएफसी में जाएगा। मतलब ये न्यू बिल के बाद फिर से इसके साथ क्या होने वाला है? फोर आउट ऑफ वन ही होने वाला है, फिर से वही होने वाला है, पिक्चर फिर घूमेगा बराबर। अब रोशनी बोली कि नहीं, अब तो हाँ बोलना पड़ेगा। इसका मतलब अब इसके बाद न्यू बिल के बाद फोर आउट ऑफ वन, और फोर आउट ऑफ क्या दीदा? डिसऑनर हुआ था, अब क्या होगा? ऑनर होगा, या रिटायरमेंट होगा, या इंसॉल्वेंट होगा। अब वो जब क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे वो चीज एक्सप्लेन करूंगा, बट अब के लिए क्या है कि भाई न्यू बिल के बाद फोर आउट ऑफ वन, फोर आउट ऑफ वन के बाद ऑनर, क्लियर? अब आता हूं ये जो डिसऑनर मैंने खाली छोड़ा है इसके ऊपर। अब जब भी डिसऑनर होता है इसके बुक में डिसऑनर होगा। डिसऑनर मतलब इसने चेक का पैसा नहीं दिया। कौन से चेक का पैसा नहीं दिया? तो रोशनी के लिए जिस चेक का पैसा पे करना था, मतलब बिल्स पेबल अकाउंट, तो इधर डेबिट में क्या आएगा? बिल्स पेबल। इसके लिए कौन से चीज का पैसा नहीं मिला? बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्लियर? नहीं सर, टू बैंक, नहीं सर, टू सिराज सर, नहीं सर, टू बीएफसी। सर ये क्या लिख रहे? जब भी बिल डिसऑनर होगा भावेश के बुक में, जब भी बिल डिसऑनर होगा तो हमको देखना पड़ेगा ऊपर इसने किया क्या है, क्या इसने खून जलाया है? हाँ सर खून जलाया है, तो बिल रिसीवेबल लिखो। क्या इसने मेहरारू का पास सुना है? हाँ सर सुना है, बैंक लिखो, क्योंकि चेक बैंक को देखे रखा है। क्या सर को बिल दिया है? हाँ सर को बिल दिया है, टू सिराज सर, समझ में आया? क्या बीएफसी में जमा किया है? हाँ सर बीएफसी में जमा किया, टू बीएफसी। मतलब जब बिल डिसऑनर होगा इसके बुक में तो क्या लिखने का? या तो रिटेन किया है तो बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट किया है तो टू बैंक,
एंडोर्स किया है तो एंडोर्स ही, बीएफसी किया है तो बीएफसी, मतलब डेबिट तो हो गया था, क्रेडिट में क्या लिखने का, तो जो एंट्री ऊपर पास हुआ है उसका नाम, रिटेन किया है मतलब कुछ भी नहीं किया है तो बिल रिसीवर, डिस्काउंट किया है तो बैंक, एंडोर्स किया है तो एंडोसी, बीएफसी किया है तो बीएफसी, डेबिट में तो यही है, क्लियर? तो यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट डन, कंसेप्ट में खाली एक चीज बच गया वो है नोटिंग चार्जेस, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद क्या होएगा, फोर आउट ऑफ वन, फोर आउट ऑफ वन के बाद क्या होएगा, ऑनर ऑफ डे, क्लियर? ऑनर होगा, इंसॉल्वेंट होगा या तो फिर रिटायर होगा, ये तीन ही चीज होगा, तो उसके बारे में सोचो मत, वो एंट्री के साथ ही खत्म हो जाएगा, वो आएगा और खत्म। इसके लिए उधर मैंने आगे लिखा नहीं है, ये चार एंट्री ही इंपॉर्टेंट है, ये चार एंट्री पे अच्छे से फोकस करो, सास भी कभी बहू बना दो, ये इसको समझो क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया है? लाइव जितने लोग देख रहे हैं उनको क्लियर है? बेटा नरेशन का टेंशन मत लो, नरेशन में हर इशू, शेयर्स का भी मैं बोल रहा हूँ, नरेशन मैंने डिक्टेट किया है और जो पीडीएफ आएगा उसके अंदर नरेशन लिख के आएगा, मैंने जितने टॉपिक्स पढ़ाए सबका पीडीएफ शेयर किया वीडियो लेक्चर के साथ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उसके अंदर आपको देखना पीडीएफ के अंदर अकाउंट्स का भी मिलेगा, एनपीओ का भी मिलेगा, एडमिशन का भी मिलेगा, इशू ऑफ शेयर्स का मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है बट डेथ ऑफ पार्टनर का कर दिया मैंने, इशू ऑफ शेयर्स का टाइपिंग चालू है, लास्ट के दो एंट्रीज हो जाएंगे, उसके बाद में आपको उसका वीडियो लेक्चर और जो जनरल एंट्रीज है विद नरेशन मिल जाएगा, क्लियर? तो आप इस लेक्चर्स का नोट्स का टेंशन मत लो, नोट्स सब मिल जाएंगे, नरेशन के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन अभी दे दूंगा मैं, चलिए ठीक है, ओके ओके ठीक है, स्टार्ट करते फिर से एक बार। तो अब क्या होगा, भाई न्यू बिल वापस कॉपी पेस्ट हो गया, सेम बराबर है, अब क्या करना है, इसके बाद फोर ऑर्थ वन करना है और उसके बाद ऑनर होने वाला है, ओके? अब ये जो डिसऑनर होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई इसने चेक जमा किया, पता चला पैसा नहीं मिला तो डिसऑनर हुआ, तो बैंक चार्जेस चार्ज करता है जिसे कहा जाएगा नोटिंग चार्जेस, क्या कहा जाएगा, नोटिंग चार्जेस, क्या कहा जाएगा, नोटिंग चार्जेस, समझ में आया? तो जब बिल डिसऑनर होता है तब नोटिंग चार्जेस आता है, वो क्वेश्चन में बोला रहेगा है या नहीं है, अगर नोटिंग चार्जेस आया तो क्या करने का, जरा उसके बारे में सोच ले। तो नोटिंग चार्जेस के बारे में हमने स्कूलिंग लेवल में, सबने स्कूल तो अटेंड किया ही है, अभी दो साल से नहीं जा रहे ना भाई, लेकिन उसके पहले तो स्कूल जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे तो पीटी का लेक्चर हो रहा था, फिजिकल एजुकेशन होता है, फिजिकल ट्रेनिंग होता है कि नहीं? हाँ, तो उसमें तुम लोग ऐसे जब तुम छोटे छोटे निक्कर में तुम लोग रहते थे, छोटी बांध बांध के, वन टू थ्री फोर ऐसा कुछ करते थे क्या, याद करो ऐसा कुछ करते थे, मैं भी करता था, तो अभी भी यही करने वाले, अभी भी नोटिंग चार्जेस अगर आया ना अतुल तो यही करने का, वन क्या करना है, वन टू थ्री फोर, नोटिंग चार्जेस आया अगर आपने क्वेश्चन में पढ़ा नोटिंग चार्जेस, भाई बोर्ड एग्जाम में भावेश ऐसा खड़ा होके मत करना, वहां बोलेगा सर ने बोला है करना पड़ेगा, सही ध्यान दे, क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, चार किया मैंने, हाँ। क्यों चार किया मालूम है, क्योंकि भावेश चार चीजें करने वाला है और डिसऑनर होने वाला है, तो डिसऑनर में कौन सा होने वाला है ये पता है क्या, इसलिए चार है, वन टू थ्री फोर, ये भावेश के लिए एक्सरसाइज है, रोशनी के लिए नहीं, तेरा टेंशन ही नहीं है, भावेश का टेंशन है, इतना दिल बेच रहा है। वन, पहला जो ये वन है ये है खून जलाने वाला, रिटेन, ये पहला एक्सरसाइज किसके लिए, रिटेन, ये है डिस्काउंट, ये क्या है, डिस्काउंट, ये है एंडोर्स, क्या है ये, एंडोर्स, और ये जो बच गया वो है बीएफसी, क्या है ये, बीएफसी, बराबर है, रिटेन डिस्काउंट एंडोर्स बीएफसी, रिटेन डिस्काउंट एंडोर्स बीएफसी, रिटेन डिस्काउंट एंडोर्स बीएफसी, ये चार क्लियर है, हाँ सर, हाँ नहीं? अब अगर बिल डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस आया, बिल डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस आया, तो ये दोनों, ये दोनों मतलब कौन से, रिटेन बीएफसी, रिटेन बीएफसी, रिटेन बीएफसी, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक, नो ब्रेक डांस, ओनली टू कैश।
होता है, रिटेन बिल डिसऑनर होता है तो टू कैश लिखने का, बीएफसी बिल डिसऑनर होता है टू बैंक लिखने का। मतलब अगर डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस था, रिटेन बिल है तो यहां पे लिखूंगा टू कैश अकाउंट, बीएफसी बिल डिसऑनर हुआ है तो टू बैंक अकाउंट। मतलब डिसऑनर के टाइम पे पहले तो ये दो चीज ही लिखा था आपने, लेकिन अगर नोटिंग चार्जेस आया तो आपको रिटेन बिल में टू कैश, बीएफसी बिल में टू बैंक लिखना है। एंट्री क्लियर हुआ? यस। टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक। ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। ये क्या था? डिस्काउंट और एंडोर्स का। मतलब अगर एंडोर्स बिल या डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस आया, तो जो भी एंट्री पास किया ना, इसी में ऐड कर देने का। मतलब कुछ लिखने का नहीं, इसमें नोटिंग चार्जेस का जितना भी पैसा है, एंट्री जो भी तुमने पास किया है, उसी के अमाउंट के अंदर ऐड कर दे। मतलब नोटिंग चार्जेस फॉर एग्जांपल 50 रुपया आया, तो आप इधर 50 अलग से लिख रहे हो, बट इधर हम क्या करेंगे, जो भी इसका अमाउंट था उसके अंदर ही 50 ऐड कर देंगे। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे टू कैश टू बैंक ऐड करो, ऐड करो, टू कैश टू बैंक ऐड करो, ऐड करो। समझ में आ गया? सबको समझ में आया? पक्का? Yes. चलिए ठीक है, वापस एक बार, टू कैश टू बैंक ऐड करो, ऐड करो, ये हो गया भावेश के बुक का एंट्री। अब ये सेम चीज आते हैं हम लोग रोशनी की तरफ। रोशनी उसको पढ़ी नहीं है, ये हर दिल सबका तोड़ती है, और यहाँ पे वो बोलेगी ठीक है ना, नोटिंग चार्जेस है कि बैंक को भरने का, मेरे लिए खर्चा है ना, खर्चा है तो बोलती है सर 11th में आपने पढ़ाया था डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एक्सपेंसेस है, तो मैं किधर लिखेंगी, डेबिट में। तो डिसऑनर के टाइम पे वो अलग से डेबिट में लिखेंगी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, अलग से वो रोशनी लिख देगी। समझ में आएगा? यहाँ पे क्या है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू भावेश। तो इसके डिसऑनर का एंट्री क्या आएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू भावेश। क्लियर हुआ? यस। पक्का समझ में आया? ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं उनको क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, अब ये जो ड्रॉवर ड्रॉवी का कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आज का टारगेट सिर्फ यही रखा था कि आपकी एंट्रीज आपको समझ में आए। अब मैं फिर से अच्छे से लिखने वाला हूँ, बट अभी तक का जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया समझ में आए। अब आ जाता हूँ ड्रॉवर ड्रॉवी पे। इस केस में भावेश ने रोशनी को सामान बेचा, दिल बेचा, तो बिल किसने बनाया? भावेश ने या रोशनी ने? भावेश ने बिल बनाया, ड्रॉ किया। yes. तो बिल एक्सेप्ट किसने किया? रोशनी। इसने बिल बनाया, इसने बिल एक्सेप्ट किया, बराबर है? जो बिल बनाएगा, जो बिल बनाएगा उसे ड्रॉवर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉवर, इन शॉर्ट सेलर। इसका मतलब भावेश ड्रॉवर है, बात समझा? yes, जो बिल एक्सेप्ट करता है, इन शॉर्ट जो सामान खरीदता है बायर, वो हमारे लिए कौन है? ड्रॉवी। और जो तीसरा बंदा है मैं, उसे एंडोसी कहते हैं, या तो इसको और एक नाम है पेई। क्या नाम है? पेई। बट ये कंफ्यूजन में आपको अभी रख ही नहीं रहा हूं, बिकॉज ये पेई का काम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट में आता है, इसमें नहीं होता है। तो अभी आपके दिमाग में पेई आने भी मत दो भाई, ये एंडोसी है। क्लियर है? तो ड्रॉवर यानी कि जो सामान बेचता है, जो बिल बनाता है, ड्रॉवी मतलब जो सामान खरीदती है और बिल एक्सेप्ट करता है, इन शॉर्ट जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो ड्रॉवी है, और जो बिल ड्रॉ करेगा वो ड्रॉवर है। पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज ड्रॉवर, वेरी गुड। एंड पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज सेड टू बी ड्रॉवी। मयूर, क्लियर यहां तक सबको? yes. पक्का 100%। अब ये एंट्रीज का ट्रिक दे देता हूँ जो आपको यहाँ पे दिया, तो आप सम कैसे सॉल्व करने वाले वो देख लो एक बार अच्छे से, फॉर्मेट में लिख के देता हूँ, और फिर हम लोग आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे, और कल के लेक्चर से सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज यानी कि जो आपके टेक्स्ट बुक के सम्स है, इंपॉर्टेंट सम्स है, वो सॉल्व करूंगा। क्लियर है? होपफुली आपको यहाँ तक सबको समझ में आया है। yes. लाइव जितने लोग देख रहे हैं उनको समझ में आया है क्या? लाइव जितने लोग देख रहे हैं उनको समझ में आया है? सर बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? पप्पू भाई बेटा ये सब मैंने 11 के वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, आप 11 का लेक्चर चेकआउट करो। ब्रॉट डाउन
डाउन कैरी डाउन कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड क्या होता है ये सब चीजें बेसिक है। चलिए ठीक है ओके ओके थैंक यू सो मच समझ में आ गया है ओके सर सर वो एक्सरसाइज पार्ट फिर से बताओ कौन सा एक्सरसाइज बेटा अभी क्या डीजे करना पड़ेगा मेरे को उसके लिए रहने दे। चलिए ठीक है इन द बुक्स ऑफ पहला हम सॉल्व करते हैं ड्रॉवर के बुक में आई होप ड्रॉवर अभी आपको पता है कौन है इधर मैं सेम एग्जांपल से कंटिन्यू कर रहा हूं भावेश एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी यानी के रोशनी ठीक है स्टार्ट करता हूं देखना सबसे पहला एंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन सी आनी चाहिए सेल्स उसके बाद बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट उसके बाद चार में से एक फिर डिसऑनर होगा तो इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट है तो कैश आएगा कैश है तो न्यू बिल आएगा और न्यू बिल है तो फिर 4 out of 1 आएगा और 4 out of 1 है तो ऑनर होगा या तो रिटायर होगा। मैंने अभी ये एक्सप्लेन नहीं किया वो तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन फुर्सत से करने वाले। तो जब भी मैं बिल ऑफ एक्सचेंज का सम जैसे अभी इशू ऑफ शेयर RTTR TR लिखते दे तो ये अभी लिख के रखने का ये सिर्फ समझ के लिए एग्जाम में इसका आपको प्रेजेंट भी नहीं करना है ऐसा लिखना भी नहीं है ये आपको समझाना एंट्री कैसे लिखते वो एक्सप्लेन करने के लिए सब लिख के दिया है ठीक है। सेम चीज इधर भी होने वाला है पहला परचेज एंड सेल्स अगर उसने सेल्स किया तो ये परचेज बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट होगा 4 out of 1 होगा फिर डिसऑनर होगा डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट है तो कैश है तो न्यू बिल है तो फिर से 4 out of 1 है और 4 out of 1 है तो ऑनर है। चलिए ठीक है अब ये कैसे स्टार्ट करेंगे डिसऑनर है तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट है तो कैश है तो ये चार कैसे सॉल्व करेंगे डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट क्या डेबिट ड्रॉवर की बुक में ड्रॉवी का नाम इस केस में ड्रॉवी कौन है रोशनी तो यहाँ पे रोशनी अकाउंट डेबिट एक बार हो गया और दूसरी बार वापस से रोशनी अकाउंट डेबिट हो गया क्रेडिट होगा टू रोशनी अकाउंट फिर क्रेडिट होगा टू रोशनी अकाउंट क्लियर है। देखो मैं आपको अभी बोलता हूँ क्वेश्चन में रीड नहीं करूंगा मैं क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज फाइंड करूंगा ड्रॉवर और ड्रॉवी क्योंकि उनका नाम लिखना होता है इसलिए जब बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज में सॉल्व करूंगा मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जब सॉल्व करूंगा तो खाली एक ही चीज ढूंढूंगा ड्रॉवर और ड्रॉवी कौन है एक बार ड्रॉवर ड्रॉवी पता चल गया तो ये एंट्री सॉल्व करना है ठीक है। अब ये डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट यहाँ पे आएंगे तो क्रेडिट लिखना है टू रोशनी की बुक में वेरी गुड भावेश अकाउंट फिर से टू भावेश अकाउंट क्लियर फिर भावेश अकाउंट डेबिट फिर से भावेश अकाउंट डेबिट ये समझा आप लोगों को यहाँ तक सर। अभी एंट्री का नामकरण कर देते यहाँ पे टू इंटरेस्ट अकाउंट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट बराबर है न्यू बिल इसके लिए बिल रिसीवेबल होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट समझ में आया क्या सास भी बहू थी सेम ऊपर कॉपी पेस्ट कर देते क्या एंट्री है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट रोशनी अकाउंट क्लियर यहाँ पे आते यहाँ पे कौन सी एंट्री इंटरेस्ट की इंटरेस्ट अकाउंट कौन सी एंट्री है कैश की टू कैश और कौन सी एंट्री है न्यू बिल इसके लिए बिल्स पेएबल अकाउंट साथ भी कभी बहुत ही सेम इधर क्या आ जाएगा भावेश अकाउंट डेबिट पेएबल अकाउंट ये समझ में आ गया। देखो एंट्रीज ऑलमोस्ट खत्म अगर सेल्स होता है तो इसने सेल्स किया रहेगा तो इसके पास से सामान गया सेल्स अकाउंट किसको बेचा रहेगा रोशनी अकाउंट को ही बेचा रहेगा ना इसने गुड्स खरीदा है मतलब परचेज अकाउंट डेबिट तो ये है आपका अप्रोच बिल ऑफ एक्सचेंज का। आज
अभी आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा क्या? नहीं। आपको सिर्फ भावेश और रोशनी का नाम पता है और मैंने जो कहानी बताया वो पता है, तो ये जो कहानी मैंने बोला है वही आपको आपका क्वेश्चन में मिलेगा उनके लैंग्वेज में। इंग्लिश में थोड़ा वर्ड प्ले करेंगे लोग और क्वेश्चन यही रहेगा, एंट्रीज यही आने वाली। अभी यहाँ पे मिसिंग सिर्फ डिसऑनर का रह गया, तो इसके बुक में डिसऑनर की एंट्री क्या है? तो ये हमेशा बिल्स पेबल अकाउंट, अगर नोटिंग चार्जेस हुआ तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हुआ, तो इधर सर इधर तो ऊपर वाले का नाम है, या तो खून जलेगा, या तो बैंक में जाएगा, या तो मेरे पास आएगा, या तो बीएफसी में जाएगा, बराबर। नोटिंग चार्जेस टू कैश टू बैंक, बराबर है कि नहीं? और इसके अंदर ऐड करो, ऐड करो, क्लियर हिसाब है? चार में से जो एंट्री रहेगा उसका नाम, फिर चार एंट्री और फिर ऑनर। बात समझ में आ गया? सबको समझ में आया? आज जितने भी लाइव थे और जो लोग यहाँ पे बैठे आए, वो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का एंट्री क्लियर हुआ है? Yes, कल के लेक्चर के अंदर हम एक पर्टिकुलर सम, एक सम नहीं, कल जितना पॉसिबल होगा उतना सम हम ट्राई करेंगे, बिकॉज दो मेथड है, एक लेक्चर दो लेक्चर में खत्म नहीं होना चीज है ये। एंट्रीज का कंसेप्ट क्लियर है तो अमाउंट का कैलकुलेशन इसमें बहुत सिंपल है, क्लियर है? Yes, पक्का। आई होप लाइव जितने बैठे थे उनको इतना समझ में आया है और जो पढ़ाया है वो भी क्लियर है। चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू टुमारो एट सेम टाइम 1:30, कनेक्ट हो जाना। और जिनको लग रहा है कि वर्थ है चैनल वॉचिंग, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना और फ्रेंड ग्रुप में आपके शेयर जरूर करना। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।